सुनेंगे सावन मास की कहानी। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। उन सबको ऐसा करता देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, ये सब जो आपको इतना कुछ अर्पित कर रहे हैं, इनसे इन्हें क्या फल मिलेगा? इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब ये लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी स्वर्ग प्राप्त करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने वाले का है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, ये पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान करा रहा है। आइए, ये बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया। वो दोनों एक शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और वहाँ से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कुष्ठ रोगी हैं, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मान्यता है, मेरे पति कोढ़ी हैं, अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा गंगा जल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दूं, तो ये ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो, हमने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी कोढ़ी को देखता उससे घिन करता और वहाँ से चला जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी के साथ क्यों रहती हो? चलो, हमारे साथ चलो। देखते देखते शाम हो गई और किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बात बताई। इस पर उस लड़के ने कहा, ये लो, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां खाने को दी थी, पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और इनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित कराऊंगा। तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और भगवान शिव के दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। ऐसा होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए, ये है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। उन करोड़ों लोगों में से ये है जो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तभी तो कहते हैं, जो मन को मैला करे और तन को धोए, वो फूल झाड़े और कांटे बोए। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।